हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। गाइस, सो कैसे सब लोग दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ऑस्मोस टेक्नोलॉजी में परचेस कर रहे हो, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं आप, तो आपको ये चीज़ आपको जो है जानना जरूरी है आपके लिए, अदरवाइज जो है आपको यहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता है। जो है जो आपको जैसे आप शॉपिंग का प्रोसीजर कम्प्लीट होता है, जो कैसे शॉपिंग करने में ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो एक्चुअली मैं जो फर्स्ट टाइम इस साइड पे गया था शॉपिंग के लिए, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद जो है मेरा कुछ मनी आफ्टर यहाँ पे एक्चुअली जो अपना 1200 का जो कूपन मिल रहा है, आप यहाँ पे एक्चुअली जो कूपन है अपना प्रिंसिपल अमाउंट, अभी कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, ओके, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट का प्राइस 700 है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो 1200 का कूपन है, यहाँ पे जो कूपन आपको पूरा अमाउंट जो है डिडक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको जो है कुछ पार्शियली कूपन का जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी आपका जो कूपन का बेनिफिट है आपको 500-600 रुपये मिलेगा यहाँ पे, उसके बाद बाकी जो अमाउंट आपका यहाँ पे GST और शिपिंग चार्जेस लगा के आपको जो है आप टोटली 1000 तक आपका वैल्यू चला जाएगा। उसके बाद आपको मेन अकाउंट से आपको 250 कुछ और एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत आपका जो है मेन अकाउंट से ही कंपनी आपको आपसे यहाँ पे लेगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, आपको आगे जाते हो प्रोसेस, और उसके बाद आपको जो पेमेंट मोड पे आपको पहले जो है वॉलेट से पेमेंट करना पड़ता है यहाँ पे, अगर आपका वॉलेट में अगर बैलेंस नहीं है तो मेन अकाउंट से शॉपिंग अकाउंट को आपको जो है ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद आप शॉपिंग अकाउंट से जो है परचेज कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या होता है, मेनली शॉपिंग अकाउंट का जो है हम जैसे शॉपिंग अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद हम जैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो और आप परचेस के ऊपर पेमेंट मोड पे जाते हो, आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, जो आपका OTP नहीं मिलेगा, यहाँ पे OTP अपने मोबाइल पे नहीं आ रहा, जो मेरे साथ हुआ था। उसके बाद मैं क्या किया, जो उसके बाद मेरा नेट बैंकिंग से मैं पेमेंट पे गया और फाइनली सब मैं आगे चला गया था, और सिर्फ OTP सेक्शन पर मैं क्या किया, पेमेंट को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जैसे मैं पेमेंट कैंसिल किया, तो मेरा जो है कूपन का जो 700 जो डिस्काउंट हुआ था 1200 का कूपन में, और 500 जो है बचा था मेरा, तो वो 700 भी क्या हो गया, जैसे मैं पेमेंट कैंसिल कर दिया तो मेरा 700 भी होल्ड में चला गया, मतलब आप मानो आपका जो है वेस्ट हो गया 700, ओके। तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ा, फालतू में मेरा जो 700 वेस्ट हुआ, अगेन मेरा जो है उस ट्रांजेक्शन जो है मेरा होल्ड में चला गया था, अगेन आपका जो है कार्ट में जाके, आपका शॉपिंग वॉलेट जो है उसमें जाके आपको कार्ट में जाके उस ऑर्डर को फिर मैं क्या किया, नेट बैंकिंग से कंप्लीट ट्रांजेक्शन करके परचेस किया, ओके। तो उसके बाद जाके मेरा जो ऑर्डर बुक हुआ है, और इसलिए दोस्तों आप भी ये गलती मत कीजिए, और मेनली मैं आपको बोलूँगा अगर आपको शॉपिंग करना है तो आपको जो है शॉपिंग वॉलेट पे आपको मनी ट्रांसफ़र मत करो, सिर्फ आपको अपना बैंक अकाउंट से, जैसे आपका मनी हो जाता है तो क्या करना है, मेनली आपको जो है मेन अकाउंट से, आपका जो ऑस्मोस का मेन अकाउंट से आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वहाँ से आपको डायरेक्ट जो पेमेंट करके ऑर्डर कर देना है, तो यही आपके लिए जो है बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों यही कुछ आपका जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है अच्छा लगी होगी, और चैनल पर नया था दोस्तों रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि और किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन जो उनको हेल्प में आ जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नया वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। सो दोस्तों यही था इन्फॉर्मेशन, और उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी कन्फ्यूजन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।